ओम शांति। 25 मार्च 2020। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। प्रश्न: जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। गीत: ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः, तुमको तो नमः नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है, तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुखधाम, और जहाँ आत्माएं रहती हैं, उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही है। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना? मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे। पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं, वह दूसरे को भी आप समान बनाने का नंबर वार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे, उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं, कहां स्वर्ग के सुख, कहां यह दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सम्मुख हो ना, अब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं। करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुखधाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुखधाम का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना,
कलयुग से सत्ययुग, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता बिगर कौड़ी करछा। तो मनुष्य समझे क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना? भल कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठे कलंक। कृष्ण कहता है मैया मैं नहीं माखन खाओ, अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने। बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे। यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ऐसी कोई बात है नहीं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है, महिमा तो एक शिव बाबा की ही है। दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है ना? फीमेल्स में मीरा का नाम है, मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ है। तुम जानते हो, एक है भक्त माला, दूसरी है ज्ञान की माला। भक्त माला से रुद्र माला के बने हैं, फिर रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है। रुद्र माला है संगम युग की। यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारिया तो काम कटारी के नीचे गई नहीं है। बाप कहते हैं वह है काम कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वह तो हैं हिंसक चीजें। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो। अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। यह भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। यह सीढ़ी है 84 जन्मों की।
सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं। परंतु लिफ्ट भी है, अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है, मोस्ट बिलवड बाबा मिला है। उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं, सब उस एक माशुक को याद करते हैं, सभी उनके आशिक हैं। परंतु वह कौन है यह कुछ भी समझते नहीं हैं, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परम आत्मा। परम आत्मा माना परमात्मा, जिसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं। एक ही परम आत्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो, बॉम्बे में बबूरी नाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटून से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनते हो। तो पहली बात मुख्य यह है कि हम आत्माओं का बाप एक है, उनसे ही भारतवासियों का वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शक्ल ही और होती, यह है ही भारत के। पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं, आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं, सफेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनीक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है, नुकसान कारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहां फिर परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर, जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया है परंतु हमने कुछ नहीं लिया, यह लिखा हुआ है। भंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सत्युग जरूर होगा। बीच में यह है संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है।
अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते, न तो तुम आत्मा को हाथ है न बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो। कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। हे आत्मा, तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापस घर जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में भी कितनी अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं, उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते हैं, चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं। हाँ, मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है, जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाए भोगनी पड़ती हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि छड़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि छड़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती हैं, तो शिव पर जाकर बलि छड़ते हैं। अब बाप समझाते हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकते। हाँ, इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए सिर शुरू होता है। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो, इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं, मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ। पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योत जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योति जगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योति जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर ज्योत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते हैं, मेरी तो ज्योत जगी हुई है, मैं तुम्हारी ज्योत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योति जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं।
उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा में समा जाएगी। अनेक मते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अतः सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो, तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयां यहाँ के लिए होती हैं। यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा। पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेस बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं। काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलवड माशुक है, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, दूसरा न कोई सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे, राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। दूसरा, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो, डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। स्लोगन, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले ही पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.